गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आज तो छुट्टी है मेरा, अभी तो मैंने सो के उठा है। आज तो ड्यूटी छुट्टी है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम तक तो सोया, नहीं तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के ड्यूटी भागना पड़ता है। हफ्ते में तो एक दिन ही मिलता है सोने के लिए, छुट्टी का दिन, और तो 6 दिन ड्यूटी ड्यूटी रहता है। अभी मैं रूम का अंदर है, ये मेरी रूम है, देखिए आप लोग, ये देखिए नीचे में आदमी भी, नीचे बेड है, ऊपर में भी बेड है, और ऐसे हम लोग रूम पे, एक रूम में 10 आदमी रहता है, और रूम पे पूरा ऐसे ही बॉटल वगैरह पड़ा है। आप लोग को तो मालूम है बैचलर रूम कैसा होता है। अभी मैं नहा के फ्रेश हो गया है, अभी जाएगा मैं थोड़ा नाश्ता करने के लिए, और आप लोग को भी बाहर का दिखाएगा। ये अभी मेरी कैंप है, अभी क्या है रूम के सामने हमेशा रह के कहीं कहीं करता है, कभी कैंप से मैं निकल रहा हूँ, अभी जा रहा है मैं नाश्ता करने के लिए होटल पे। छुट्टी का वजह से देखिए कितने सारे लोग हैं, बस स्टैंड का पास आदमी लोग जाने के लिए इंतज़ार कर रहे, किसका फ्रेंड का पास कोई घूमने के लिए, और गाड़ी भी इधर लगा हुआ है। होटल पे पहुंच चुका है, अभी देखेगा क्या नाश्ता है, देख के ऑर्डर करेगा। आलू परोठा है, दही का साथ खाएगा। दोस्तों नाश्ता भी तो हो गया है, तो आलू का परोठा 3 ग्राम था, अभी 4 ग्राम कर दिया है। 4 ग्राम मतलब आ गया इंडिया का पैसा में 88 रुपीस आ गया है। आलू का परोठा का साथ दिया था, मेरे को चटनी दिया था, दही दिया था, चटनी मेरे को पसंद नहीं आया, नारियल का चटनी था पसंद नहीं आया, इसलिए मैं बोला चटनी कैंसिल कर दीजिए और मेरे को दही दे दीजिए, और इसलिए दोनों जगह पे दही दे दिया था। सोचा था और थोड़ा आगे जाएगा, आप लोग को कुछ दिखाएगा, लेकिन उसमें से रूम वाला का फ़ोन आ गया उन लोग के लिए भी नाश्ता लेने के लिए, और इसीलिए मैं उधर नहीं गया, नाश्ता लेने के लिए चला गया। लेकिन क्योंकि वो लोग के लिए नाश्ता नहीं लेगा, तो वो लोग मेरे लिए डेली खाना लेकर आते हैं नाइट में, इसीलिए मैं आ गया नाश्ता लेने के लिए, और वो के लिए उन लोग के लिए लेकर आ गया, क्योंकि उन लोग के लिए नहीं लेके जाएगा तो वो लोग डेली डेली रात में खाना लेकर आ रहे हैं मेरे लिए, और उन लोग के लिए एक दिन नहीं लेके जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा रूम पे, बहुत बुरे आदमी सुनाएंगे सारे बात, बोलेगा हम लोग डेली लेकर आ रहे हैं, तुम एक दिन भी नहीं लेकर आ रहे हो, इसीलिए तो लेना पड़ेगा। आलू का परोठा और खट्टा डोसा लेकर आ गया, और ये देखिए ये पार्सल का अंदर है, और मैं तो उधर ही खा लिया है, आप लोग ही देखा है। दोपहर का टाइम में थोड़ा सो गया था, अभी बाहर आया है। अरे भाई पीछे में तो पेड़ कटिंग करते हैं, चलो देखते हैं पेड़ इसका कैसे कटिंग करते हैं। अरे भाई देख, अरे वाह, जो पेड़ कटिंग करने वाला मशीन में कैसे पेड़ कटिंग कर रहा है, और थोड़ा पेड़ कटिंग का दिखाने वाला था, लेकिन उन लोग का टाइम हो गया, बंद कर दिया है मशीन को। चलो चलते हैं फिर मार्केट में, मार्केट में थोड़ा घूम लेगा, कुछ ज़रूरत होगा तो कुछ भी लेकर आ जाएगा, वहाँ से घूमने का भी हो जाएगा, शॉपिंग करना भी हो जाएगा, कुछ लेकर आना है तो।
आज का तो मार्केटिंग हो गया है। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।